आज हम यहीं से फ्रेश आम भी तोड़ के लेके जाएंगे और घर जाके इन काम का पन्ना बनाएंगे और आप लोगों को रेसिपी देंगे। किचन में आपका स्वागत है। आइए तो हम आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने ये 1 kg कच्चा आम लिया है। अब मैंने इनको छील लिया है, अच्छे से धो के इनको छील लिया है। अब मैं इनको काटूंगी और इनकी जो गुठलियां अंदर की उनको अलग कर दूंगी। ये देखिए मैंने इनको ऐसे रफली चॉप करना शुरू कर दिया है। अब इनको ऐसे काट के जो इनकी गुठलियां अंदर की वो मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी। ये मेरी जो आम है ये बहुत ज़्यादा कच्चा है, इसलिए इनकी गुठलियाँ देखिए कच्ची हैं, ये साथ की साथ कटने में आ रही हैं। इनको मैं अलग कर दूंगी बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए ये गुठली वाला जो पार्ट होता है, गुठली है जो इसके अंदर ये दिख रही, इसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। इस तरह से मैं इनको रफली चॉप करूँगी। अभी ये देखिए मैंने सारी जो कच्चा आम था मेरा, आम भी थी जो भी, उनको मैंने गुठली उनकी सब की अलग कर दी हैं। और अब मैं इनको कुकर में डालूंगी उबालने के लिए। ये देखिए मैंने सारे आमियों को कुकर में डाल दिया है। और जो ये मेरी पीली आम भी आपको दिख रही है, ये मेरी कच्ची आम भी, लेकिन ये थोड़ी सी पक गई है, लेकिन ये खट्टी उतनी है। और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी इनको उबालने के लिए। ये देखिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इनको अच्छे से उबालूंगी, इसमें 3 से 4 सीटी लगवाऊंगी। जब तक हमारी आमी बॉयल हो रही हैं तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने पुदीने के पत्ते तोड़कर अलग कर लिए, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये मैंने 2 चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। ये भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है, ये कच्चा जीरा पाउडर है। और मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने 2 गिलास शुगर सिर्फ तैयार कर लिया है, इसको मैंने छान लिया है। और अब मैं आगे पुदीने के पत्तों को मिक्सी के जार में डाल के इनको ग्राइंड करूंगी। अब मैं इन पुदीने के पत्तों को पीस के तैयार करूंगी। आप इनको पत्थर पे पीस सकते हैं, मैं इनको ग्राइंड में ही मिक्सी के जार में पीस रही हूँ। और इसके अंदर आप शुगर सिर्फ डाल के ही इसको पीस सकते हैं। आप इसको और पानी डाल के पीसोगे इससे अच्छा है मैं इसको शुगर सिर्फ डाल के पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने पुदीने का बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस के तैयार कर लिया है। इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। जो मेरी आम भी थी उनको मैंने बॉइल कर लिया है। अब मैं जो इसका जो पानी है इसको अलग कर दूंगी छान के। अगर मैं इसके अंदर ही शुगर सिर्फ डाल के इसको बनाऊंगी तो ये ज़्यादा खट्टा बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं इस पानी को बिल्कुल अलग कर दूँगी। आमियों को मैंने छान लिया है और जो इनका पानी था वो सब अलग हो गया है। अब मैं इनको ठंडा करूँगी फिर इनको पीस लूँगी। मैंने इन आमियों को ठंडा कर लिया है बिल्कुल। अब मैं इनको इस बर्तन में डाल के और ग्राइंडर की मदद से इनको पीस लूँगी। शुगर सिर्फ इसके अंदर ही ऐड कर लूँगी। अब मैंने इन आमियों को इस बर्तन में चेंज कर लिया है। अब मैं जो शुगर सिर्फ है इसको थोड़ा थोड़ा डाल के और ग्राइंडर की मदद से पीस लूँगी। अब मैं इसमें कम से कम भी 1 गिलास के करीब शुगर सिर्फ डालूँगी और इनको ग्राइंडर लेके और इससे अच्छे से ग्राइंड करूँगी। मैं शुगर सिर्फ और जो आम भी मैंने उबाली हूँ उनको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे से, इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करूँगी। ये देखिए बिल्कुल कितना गाढ़ा, बिल्कुल थिक हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और शुगर सिर्फ ऐड करूँगी और फिर से इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखिए ये मेरा जो पेस्ट है ये अभी गाढ़ा है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा और शुगर सिर्फ ऐड करूँगी। और इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो शुगर सिरप वो ऐड कर दिया है। मैं इनको दोबारा से ग्राइंड करूँगी और इसको अच्छा सा घोल तैयार करूँगी। मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया है अच्छे से। इसको मैंने इसका घोल जो मैंने है वो मैंगो सेक की तरह तैयार कर लिया है। या तो आप इसको मैंगो सेक की तरह रख लो इसके घोल को गाढ़ा। अगर आपको पतला करना है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप इसमें जब पियोगे तो आपको इसमें और पानी ऐड करके फिर दोबारा पीना पड़ेगा। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी, प्लेन पानी और ऐड करूँगी और इसको फिर से एक बार ग्राइंड करूँगी। अब इसके अंदर पुदीना ऐड करूँगी जो मैंने पीस लिया था, जिसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, जो कि कच्चा जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है।
और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें काला नमक लिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इनका अच्छे से घोल तैयार कर दूँगी, इनको बिल्कुल इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, इनको एक बार फिर से ग्राइंड करूँगी। आप इसको गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकती हैं। देखिए मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, अब मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड करूँगी। प्रॉपर मैंने इसमें 1 गिलास प्लेन पानी ऐड किया है और 1.5 गिलास शुगर सिरप ऐड किया है। बनना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ये ठंडा हो गया मेरा आम पन्ना, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, आप इसको जरूर बनाएं। गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, क्योंकि ये सब पता है आम भी और पुदीना भी ठंडा होता है। आपको मेरे आम पन्ने की रेसिपी पसंद आए